ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले की एक सत्र अदालत ने हत्या के कथित प्रयास के एक मामले में भारतीय जनता पार्टी के विधायक नीतीश राणे की अग्रिम जमानत याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी। नीतीश राणे सिंधुदुर्ग जिले के कंकावली सीट से विधायक हैं और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे हैं। नीतीश ने संतोष परब नामक एक व्यक्ति पर कथित हमले के मामले में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। नीतीश ने अपनी याचिका में दावा किया कि इन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है और राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण इन्हें निशाना बनाया जा रहा है। विशेष लोक अभियोजक प्रदीप घरात ने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि पुलिस ने यह दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत एकत्र किए हैं कि हमले के पीछे नीतीश राणे थे। बीजेपी विधायक नीतीश राणे की अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद शिवसेना कोंकण इलाके में जमकर फटाके फोड़े गए। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में नीतीश राणे को लेकर उनके विरोधियों ने पोस्टर्स भी लगवाए हैं। इन पोस्टर्स में लिखा गया कि नीतीश राणे खो गए हैं, इन्हें ढूंढ कर लाने वालों को इनाम में मुर्गी दी जाएगी। यह पोस्टर किसने लगाए हैं इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिल पाई है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे और बीजेपी विधायक नीतीश राणे और शिवसेना के बीच विवाद जारी है। माना जा रहा है कि इसके बाद शिवसेना और नीतीश राणे के बीच तनातनी और बढ़ सकती है। अगर आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।